तो है गाइज, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत दिनों में आज मतलब सुकून की नींद आई है अपने घर पे। बहुत ज़्यादा याद आती घर पे, और अपना घर तो गाइज अपना घर ही होता है। बाहर आप कितना भी रह लो, लेकिन जो सवेरे में जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो अपने घर पे आके ही मिलता है। इन सभी को लेते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का, और फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं और सुबह हो चुकी है। और गाइस, सुबह बोले सब्जी ले ली हमने, मटर पैकिंग पे मतलब सामान इधर बिखरा हुआ था ना, सूप उसमें जमा रही हूँ, वापस रखूंगी इनको। और आज भी आए बहुत बहुत दिन बाद। और गाइस, ये है आज कलर करने, बहुत दिनों बाद। रुको रुको रुको, रोको देखो, ओ रोको देखो। तो गाइस, इनको अलग काम लगे हुए, आज 20 दिन हो गए। मैं 4-5 दिन बाहर चला गया, मैंने छुट्टी मार ली। गाइस, काम करने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो गाइस, इधर रूम का कलर इन्होंने कर दिया था मेरे जाने के बाद, और इस वाले रूम को भी फ्री कर दिया। ये वाली दीवार रही है, इस पे कुछ अलग कलर करवाएंगे, तो अभी डिसाइड नहीं किया है क्या करवाएंगे। और इधर हुआ है थोड़ा सा पिंक रोज, मतलब रोज टाइप का। तो गाइस, अभी ये महान हस्ती, महान शख्स कर रहे हैं ड्रेसिंग की सफाई, सामान वामान निकाल के जमा रहे हैं वापिस, क्योंकि 5-6 दिन हम बाहर चले गए थे तो शायद हालत खराब हो गई ड्रेसिंग की। देख सकते हो गाइस, परफ्यूम वर्फ्यूम सब कुछ है इसके पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। ज्यादा बोल रहे थे, किरियो खत्म हो गया मेरे पास। तो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 10, और अभी बना रहे हैं खाना। खाने में बन रहा है आज आलू, टमाटर एंड मटर और प्याज। क्या वो बोल कैसे नहीं रहे, क्यों कुछ नहीं बोल सकते क्या? सब्जी बोलोगे नहीं मतलब। तो भाई, बस चुके हैं अभी 12, और इस कलर में पुट्टी हो चुकी है, कलर होना बाकी है। और उसमें से पंखा हटा दिया था हमने, तो इसको सुखाने के लिए पंखा लगा रखा है, क्योंकि इसको थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि इसमें केला रहता है और उनका पूरा सामान बाहर रखा है और वो गाँव जाएंगे इस वजह से। तो जल्दी सुखा रहे इसको, और ये कर रहे हैं किचन में सफाई। क्या बात है। तो गाइस, ये कचरा निकला इसके अंदर से रिपेयरिंग का, तो उसको डालते हैं बाहर। तो रात को आते इतने सारे कपड़े धो दिए थे इसने, क्योंकि आधे से तो अभी मैंने ऊपर से उतार के इनको फोल्ड कर दिए हैं। और ये निकाल रही है झाड़ू, और गाइस मैं नहा लेता हूँ अब, ठीक है। बहुत सारा काम कर लिया, जाता है क्योंकि अब कुछ काम नहीं है। ये देखो इंसान, इतना सारा काम करने के बाद भी ये लोग ऐसे बोलते हैं, बताओ यार। बहुत सारा काम कर लिया, कम किया है क्या मैंने? ये तो मैं डेली करती हूँ। ये डेली कहाँ करते हो कपड़े फोल्ड? और इधर दीवार पे देख सकते हो करवाया, उस वाली पे ये वाला करवाया। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। बाकी इसमें भी वही सेम देख सकते हो आप, और इधर ये देखो सामान पड़ा है पूजा वीडियो का। और आज इनका कमरा हो चुका है पूरा खाली, बेघर हो गए। और ये देखो, और ये टेम्प्रेरी कर रखा है, इन्होंने गैस चूल्हा लगाया है, क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी ऐसी है। बाकी इसके अंदर एकदम ऊपर छत तो हो गई, एक बार और होगी, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा कलर करवाते हैं। कैसे वाला अच्छा लग रहा है? अरे यार, इसमें भी ये वाला करा दो। इसमें क्यों कराएंगे ये वाला, इसके अंदर तो काला वाला करवाएंगे। तो गाइस, अभी खाना बन रहा है, वो भी चूल्हे पे, और बन चुका है। मैं लेट हो गया आने में। तो गाइस, अभी लेके आ गए मूंगफली, और मूंगफली से अगर मूंगफली पार्टी होने वाली है। एक रोटी में खाओगे कहीं जो ये बस। आले वाले तो सब्जी बनाई थी 1 बजे, तो उसको गरम कर लिए, और बढ़िया मूंगफली पार्टी चल रही सबकी। खा लो गाइस,
चूल्हे पे बैठ के मूंगफली खाने का अलग ही मजा है। गुड़ भी होता थोड़ा, गुड़ भी होता थोड़ा, गुड़ ले आऊंगा यार, गुड़ कौन, गुड़ तिल का तेल ले आऊंगा। अब लेके आएंगे, कल चलेंगे संगनेर। तो गाइस सभी बज चुके हैं रात के 11 और ये देखो ये सो रहे हैं इधर। और गाइस सीन ऐसा है कि आज भी ब्लॉग थोड़ा छोटा बना है क्योंकि रेस्ट करने में रह गए। और गाइस घर का काम चल रहा है कलर पेंट का, और कलर पेंट का काम कब का हो जाता है लेकिन सिचुएशन में कुछ ऐसी आती रही इनके तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट आज कल में बिल्कुल डन हो जाएगा। तो कलर का काम डन होने के बाद आपको फिर से एक बार होम ट्यूर करवाएंगे। तो कौन कौन चाहता है होम ट्यूर करवाए आपको, तो जो जो भी चाहता है कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता देना हमको, तो आपको बिल्कुल होम टूर करवाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट डन हो गया, बस एक दो कमरे के खिड़की और गेट रहे जो धीरे धीरे करवाते रहेंगे जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे। तो बस यही था, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस राम राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।